दोस्तों, जीवन में सफलता को पाने के लिए जो सीख हमें शेर से मिल सकती है, शायद और किसी से भी नहीं। वैसे भी लायन जंगल का राजा होता है, सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ और ताकतवर होता है, तो जरूर कुछ न कुछ बातें होंगी जो उसे ऐसा पोजीशन देती हैं। तो आइए फिर जानते हैं एक शेर की उन खूबियों के बारे में जो उसे ऐसा पोजीशन दिलाती हैं। नंबर वन, अपने गोल पर फोकस करना। दोस्तों, आपने शेर को देखा होगा कि वह किस प्रकार से अपने शिकार को पकड़ने के लिए कितनी शिद्दत से शिकार पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। जिस समय शेर किसी शिकार का शिकार करने के लिए जाता है, उस समय उसे सिर्फ वह शिकार ही दिखाई देता है। शेर का यही एटीट्यूड उसे शिकार करने में सक्सेस दिलाता है और अधिकतर शिकार में वह सफल भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो शेर की तरह उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस करें। सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए अपना तन मन सब कुछ सिर्फ अपने गोल पर ही केंद्रित कर दें, सफलता निश्चित ही आपके कदमों में होगी। नंबर टू, बिना रोए बार बार कोशिश करते रहना। आपने देखा होगा शेर हर बार शिकार में सफल नहीं होता, लेकिन बिना रोए और हार माने दोबारा नहीं, बार बार कई बार कोशिशें करता रहता है। बिना किसी की मदद लिए, बिना दुखी हुए अगले बार के लिए तैयार रहता है। जरा सोचिए, अगर शेर दुखी होकर बैठ जाए तो उसे भोजन कहाँ से मिलेगा? ठीक इसी प्रकार से आपको भी अगर लाइफ में असफलता मिलती है तो उसके लिए दुख या परेशान नहीं होना है और ना ही किसी को ब्लेम करना है, बल्कि उसके बजाय सफलता के लिए नए जोश और नई एनर्जी के साथ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपका शेर की तरह यह एटीट्यूड ही आपको सफलता दिलाएगा। याद रखिए, रोने से अच्छा है कि हिम्मत और एनर्जी के साथ दोबारा मैदान में उतरें, न कि उदास होकर बैठ जाएं और हार मान लें। क्योंकि दोस्त, आपका अभी का रोना आपको पूरी जिंदगी भर रोने को मजबूर कर देगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहो, न कि किस्मत या दूसरों के भरोसे बैठ जाओ, क्योंकि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नंबर थ्री, हमेशा दूसरों की बातों को मानना छोड़ दें। दोस्तों, दूसरों के इशारे और रास्ते पर झुंड बनाकर भेड़ को चलते हुए आपने जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि चरवाहा किसी एक भेड़ को ही डायरेक्शन देता है, बाकी उसके पीछे खुद ही चलते रहते हैं। लेकिन शेर किसी की बातों और डायरेक्शन में नहीं, बल्कि खुद के बनाए रास्ते और उसूलों पर चलता है। किसी भी काम के लिए सबसे राय मत लेते रहिए, बल्कि अपने दिमाग से काम लीजिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी से राय ही मत लो, बल्कि राय सिर्फ उनसे ही लीजिए जो राय देने के काबिल हो। राह चलते लोगों से राय लेते फिरोगे तो उनकी बातों को सुनते रहोगे तो फिर आपकी हालत भी उन भेड़ों की तरह हो जाएगी। अतः उससे बचिए और खुद को शेर की तरह बनाइए। आपका यही एटीट्यूड आपकी सफलता में चार चांद लगाएगा। नंबर फोर, आपका एटीट्यूड ही आपको अलग बनाता है। दोस्तों, शेर ना तो बहुत ही स्मार्ट जानवर होता है और ना ही सबसे ताकतवर, ना ही सबसे बड़ा और ना ही सबसे तेज भागने वाला, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा होता है। भला ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ उसके एटीट्यूड यानी उसकी हैबिट से होता है। उसका एटीट्यूड ही उसे जंगल का राजा बनाता है। लायन का एटीट्यूड ही उसको सबसे जानवरों में अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह आपको भी अपने एटीट्यूड को रखना चाहिए जो आपकी सफलता के द्वार पर पहुंचाएगा। नंबर फाइव, टारगेट के लिए पूरी ताकत झोंक देना। जिस प्रकार से एक शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत या जान को झोंक देता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, तब कहीं जाकर सफलता हाथ लगेगी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पूरे पावर, पूरे कंसंट्रेशन और पूरा दिमाग लगा देना होगा, बिल्कुल उसी शेर की तरह। अक्सर लोग एक असफलता के बाद अगले एग्जाम के लिए तैयारी की रफ्तार आधी कर देते हैं, खुद को कमजोर मान बैठते हैं, खुद को गिरी हुई नजरों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी उनके बस का है ही नहीं और वह एकदम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस शेर की तरह बार बार नए उत्साह और जोश के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे शेर के वो फाइव गुण जो उसे जंगल का राजा बनाते हैं। अगर आप भी शेर की इन क्वालिटीज को अपनी हैबिट्स में अपनाते हैं तो आप भी सफलता को हासिल कर पाओगे और आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।